नगर पालिका कोसी कला के सफाई कर्मचारियों ने दोपहर को नगर पालिका परिषद में सैकड़ों सफाई कर्मियों के साथ प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि आगामी 3 फरवरी को सफाई मजदूर संघ के नेता सतीश बाल्मीकि के नेतृत्व में भूख हड़ताल, काम बंद हड़ताल और कूड़ा डालो अभियान चलाकर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की होगी। सफाई मजदूर संघ के नेता गिरिराज वाल्मीकि, सतीश वाल्मीकि, किशोर चौहान, लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि ने अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा दुबे को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें 8 दिन पूर्व दिया गया समय शुक्रवार को पूरा हो गया, जिस पर पालिका के द्वारा कोई संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दिया गया, जिसे लेकर सफाई मजदूर संघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में कई वर्ष पहले दर्जनों सफाई मजदूर अपनी नौकरियों का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, जिनका भुगतान नगर पालिका द्वारा अभी तक नहीं किया गया और कई माह से सफाई कर्मियों की तनख्वाह भी नहीं मिली है। अगर 1 फरवरी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो 3 फरवरी से आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की होगी। आज जो सफाई कर्मचारियों ने आपको एक नोटिस दिया है, तो क्या कहेंगे इसको? सफाई कर्मचारी समिति संघ ने हमें आज एक यहाँ पर ज्ञापन दिया है, जिसमें उनकी कुछ मांग है। और इसको पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शासन स्तर से हमें जो राज्य वित्त में धनराशि मिलती थी बहुत कम मिलने लगी, वो कोरोना काल की वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोगों को जब आउटसोर्सिंग लोगों को भुगतान नहीं दे पा रहे, तो उनसे कार्य कैसे कराएं? जैसे ही धनराशि में बढ़ के आ जाएगी, उनको हम पुनः कार्य पे रख लेंगे और उनका वेतन सुचारू रूप से देना शुरू कर देंगे। और पेंशन और ग्रेजुएटी का की बात है, तो पेंशन हम लगातार लोगों को दे रहे हैं यहाँ पे, जो जैसे जैसे फाइलें आ रही है उसी हिसाब से उनका हम पेंशन शुरू करवा दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो भी इनके डिमांड है उन पर हम विचार करेंगे, उसको जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैम, 3 तरह की रखी है कि एक भूख हड़ताल करेंगे और उसके बाद फिर काम बंद हड़ताल करेंगे और फिर नए पाल काम है कहीं ना कहीं गंदगी फैलाएंगे, तो उसके लिए क्या कहेंगे, इसको कैसे रोकेंगे? ऐसा नहीं है कि हम इनकी समस्याएं नहीं जानते, समस्या है और जेन्युइन समस्या है। जहाँ तक है कि बस यही है कि वो 200 कर्मचारियों को रखने की बात कर रहे हैं जो आउटसोर्सिंग पे, वो अभी हम धनराशि उपलब्ध न होने की वजह से रख नहीं पा रहे, ठीक है। तो मांग इनकी मांगते हैं, जो भी जायज़ है उनकी मांग मान ली जाएगी, बाकी उनसे वार्ता करेंगे, हम बुलाएंगे। एक मुख्य समस्या रखी कि 90 कर्मचारियों को आपके द्वारा निकाल दिया गया। वही मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि वो हम वेतन जब नहीं दे पा रहे, शासन स्तर से उनको हटाया गया है कि निरस्त कर दिया गया पूरा ठेका, हम जेम पोर्टल से उसको जल्दी ही भरने जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है, क्या है वो आंदोलन और किस तरह से उसको वो दिया गया? हमने आज से 8 दिन पूर्व कोसी नगर पालिका परिषद जनपद मथुरा की सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी महोदय को एक नोटिस दिया था कि हमारे कर्मचारियों को सुना जाए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले इनकी जो न्यायोचित मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाए। 8 दिन बीतने के बाद अभी तक पालिका की ओर से हमें किसी प्रकार का कोई बुलावा नहीं मिला, ना ही हमें किसी वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। मजबूर होकर के हम लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष मुझे यानी गिरिराज सिंह वाल्मीकि और उपाध्यक्ष किशोर वाल्मीकि, महामंत्री सतीश वाल्मीकि, मंत्री लक्ष्मीनारायण वाल्मीकि एवं संगठन मंत्री संजय वाल्मीकि को बनाया गया। यहाँ पूरे समाज ने एक राय होकर निर्णय लिया कि अब बगैर आंदोलन के बात बनने वाली नहीं है। फिर हम लोगों ने समाज अपने कर्मचारियों की सहमति से 11 सूत्रीय एक मांग पत्र तैयार किया, जो कि आज हमने नगर पालिका में माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय को रिसीव कराया है। हमारी मांगें समय रहते हुए नहीं मानी गई, तो उसमें हमने आमरण अनशन है 3 तारीख से, 4 तारीख से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल है, 5 तारीख से कूड़ा डालो अभियान है, जो कि चेयरमैन साहब के कैंप कार्यालय पर एवं निवास पर एवं नगर पालिका में डाला जाएगा। अब भी आप लोगों के माध्यम से मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि समय रहते हुए हमारी जो ज्वलन समस्याएं हैं उनका निस्तारण समय से हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारी भी सीधी सीधी काम बंद हड़ताल होती है,
जिससे हमारे नगर का संभ्रांत व्यक्ति हर समाज प्रभावित होता है, गंदगी का सामना करना पड़ता है। एक तो पहले ही कर्मचारी नहीं है और दूसरे नंबर फिर ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन मथुरा को कि वो हमारे बीच में आए, हमारी समस्याओं का निर्धारण करें। हम गलत हैं तो हमसे कहें, हमारी एक मांग भी गलत हो तो बता दीजिए। हमारा राज्य वित्त आयोग का पैसा आता है, शासनादेश है, सर्वप्रथम उसको पेंशन भुगतान किया जाए, ग्रेच्युटी में दिया जाए, कर्मचारी को एरिया में दिया जाए, वेतन में दिया जाए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। पैसा आते कि हम सबसे पहले ठेकेदारों का पेमेंट होता है, सीधा सीधा आप समझते हो ठेकेदारों को पेमेंट क्यों होता है, उससे दो पैसा कमीशन मिलता है पालिका को, इसलिए उनका। तो आज हमारा समाज भुखमरी की कगार पर पहुँच रहा है, अब हम इसको आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।